मध्य रेल के नागपुर रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक सोमेश कुमार के मार्गदर्शन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दो अभिनव आय उपक्रम दिए गए। पहला एक स्वयंचलित वेडिंग मशीन जो सार्वजनिक जगह थूकने की समस्या का एक अनूठा समाधान और विकल्प है। इजिपेस्ट एक स्टार्टअप फर्म में रेल यात्रियों को ट्रेन में यात्रा के दौरान इजिस्पीड कंटेनर पाउच और वाइट बैग ले जाने का स्वतंत्र प्रदान करेगी। मध्य रेल के नागपुर रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक सोमेश कुमार के मार्गदर्शन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दो अभिनव आय उपक्रम दिए गए। पहला एक स्वचालित वेंडिंग मशीन है जो सार्वजनिक जगह थूकने की समस्या का एक अनूठा समाधान या विकल्प है। इजी स्पीड में एक स्टार्टअप फर्म ने रेल यात्रियों को ट्रेन में यात्रा के दौरान इजी स्पीड कंटेनर पाउच और वाइट बैग ले जाने की स्वतंत्रता प्रदान करेगी। इस अभिनव उत्पादों की कीमत ₹10 से ₹20 है। कोरोना महामारी के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए मध्य रेल पर महत्वपूर्ण अनुबंध है। यह एक यात्री सुविधा होगी जो रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान उपयोग में आएगी। दूसरा उपक्रम है बैग सैनिटेशन एंड रैपिंग सॉल्यूशन। bookbaggage.com नई दिल्ली में स्थित स्टार्टअप फर्म है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री बोर्डिंग डीबोर्डिंग जो अपने बैग को सैनिटाइज कर सकते हैं, जिसका मूल्य ₹10 से लेकर ₹100 है। नॉन फेयर रेवेन्यू टीम के नेतृत्व में मध्य रेलवे का नागपुर डिवीजन इसमें सबसे आगे है। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए अभिनव अनुबंधों को लागू करने के लिए डिवीजन ने पहले ही महामारी की रोकथाम रेलवे के लिए गैर किराया राजस्व उत्पन्न करने के लिए 5 अनुबंधों को लागू किया है। नागपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्णा पाटिल, सहायक वाणिज्य प्रबंधक विजय सी थूल, तारा प्रसाद आचार्य वाणिज्य निरीक्षक के अथक प्रयास से यह करार किया गया। भारतीय रेल में पहली बार इजी स्पेड का जो AVM है ये नागपुर स्टेशन पे लगा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव वाली बात है। ये टेक्नोलॉजी पहली बार भारत में आया है और ये भी नागपुर रेलवे स्टेशन पर लगा है। इसमें पाउचेस मिलते हैं, ₹10, ₹20 के पाउचेस हैं, कंटेनर है। तो जो भी यात्री जो है यात्रा के दौरान कई लोगों को थूकने का काफ़ी ये रहता है, हैबिट रहता है, और कई बुजुर्ग लोग हैं जिनको समझिए रात बिरात उठ के थूकना पड़ता है, तो उनके लिए एक बहुत ही बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। इसमें आप जैसा कोई भी स्पिट करते हैं उसमें अंदर थूकते हैं तो इमिडिएटली वो उसमें जो अंदर जो केमिकल्स है या उसमें अंदर जो चीज़ है वो उसको इमिडिएटली सॉलिडिफाई कर देता है, उसको सॉलिड बना देता है, और जो अंदर जो बैक्टीरिया जो भी कीटाणु वगैरह है उसको फैलने से रोकता है। तो इसमें से अच्छा एक खुशबू भी आता है, और इससे जो बार बार इधर उधर थूकते हैं एरिया में गंदगी होती है, मक्खियों का जो फैलाव है, ये सब हम रोक सकते हैं। इसमें अलग अलग खुशबू के पाउचेस हैं, जिसको जैसा जो खुशबू पसंद है वो खुशबू के पाउचेस ले सकते हैं, और इजी वॉमिट करके भी है। जैसा कई लोगों को उल्टियों का भी जैसा प्रॉब्लम होता है ट्रैवल के दौरान, तो वॉमिटिंग का भी पाउच है तो उसमें वॉमिट कर सकते हैं। इस तरह से यानी बहुत ही फायदेमंद है, जिससे हमको ये कोरोना में जो महामारी फैलता है थूकने की वजह से उसके लिए हमको ये लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है जी। अभी ये पहला जो AVM है इंडिया में पहले नागपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन पे ही लगा है, अब बाकी रेलवे स्टेशनों पे भी अभी ये शीघ्र लगाया जा रहा है। ये ओनली पाउचेस में अवेलेबल है, इसके कुछ कंटेनर भी है? हाँ, इसमें पाउचेस भी है, कंटेनर्स भी है, इसमें अलग अलग कैपेसिटी के हैं, तो जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से मिलता है। हमें SG राव, ACM और जनसंपर्क अधिकारी मध्य रेल नागपुर।